क्या आपने कभी सोचा आपके वीडियोस एंड फोटोज सिनेमैटिक क्यों नहीं दिखते? इन सब का एक बड़ा रीजन हो सकता है फ्रेमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्रेमिंग का यूज करके अपने कंटेंट को प्रोफेशनल एंड सिनेमैटिक बना सकते हैं। कंटेंट कैप्चर करने से पहले आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी बेटर हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास है न्यूली लॉन्च्ड ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G। तो इस फोन में जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का विद सोनी IMX 890 सेंसर। अब इसके अलावा आपको बैक में दो कैमरास और मिल जाते हैं, एक है टेलीफोटो जो कि है 32 मेगापिक्सल का और एक है अल्ट्रा वाइड जो कि है 8 मेगापिक्सल का। तो भाई हमारा काम तो सारा कैमरे से ही है, तो अभी मैं कैमरे को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करते हो कि आपको अगर वीडियोस रिकॉर्ड करना है तो आप डायरेक्टली वीडियोस स्टार्ट कर देते हो रिकॉर्ड करना, अगर आपको फोटोज़ लेना है तो आप डायरेक्ट फोटोज़ क्लिक कर देते हो, आपको एंगल नहीं पता, आपको कंपोजिशन नहीं पता, आपको फ्रेम नहीं पता। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका ग्रिड लाइंस ऑन कर लेना है। तो आप कैमरा की सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पर आपको ग्रिड्स ऑन कर लेना है। इसमें और भी ज़्यादा दी हैं, वो सब प्रोफेशनल में काम आती हैं, बट अभी जो बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट क्रिएशन में। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसे कुछ ग्रिड लाइंस बनकर आ गई हैं। अब ये बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है बेसिकली इनका यूज़ क्या है। अब सीन को कैप्चर करने से पहले आपको अपनी फोकल लेंथ सेट कर लेनी है। यहाँ पर आपको वाइड एंगल लेंस 1x 2x और 5x मिल जाता है, और अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पर आपको बैकग्राउंड ब्लर DSLR जैसा चाहिए तो आप 2x में शूट करिए, वहाँ पर जो आपके पोर्ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल DSLR जैसे लगते हैं। अब किसी भी फ्रेम को एक अच्छा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन। आपको कंपोज कैसे करना है अपने शॉट को जो कि वो एकदम प्रोफेशनल लगे। अब यहाँ पे हेल्प करेंगी हमारी ये ग्रिड लाइंस। अब अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल बीच में रख सकते हैं, जिससे जो आपके ऑडियंस का सारा ध्यान है वो आपके इस सब्जेक्ट पर जाएगा, आपके मॉडल पर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी मोबाइल से कुछ पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं जिसको मैंने सेंटर में रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं, जो आप अगर इस फ़ोटोज़ को देख रहे होंगे तो आपको सारा ध्यान बीच में ही जा रहा होगा, आपको बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा हो क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लर है, और आप ब्लर की जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं, एकदम DSLR जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकल कर आती है इस ओप्पो रेनो 11 प्रो से। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको रूल ऑफ थर्ड्स कैसे यूज़ करना है अपने कंपोजिशन में। अब देखो, आपको सब्जेक्ट के साथ साथ दिखाना है कि वो क्या कर रहा है, या फिर आपको आसपास का एनवायरनमेंट दिखाना है, एक स्टोरी सी क्रिएट करना है, तब हम यूज़ करेंगे रूल ऑफ थर्ड्स का। तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसमें सब्जेक्ट को बीच में ना रख के साइड में रखा है इस वाली लाइन के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है। अभी जो आपने पोर्ट्रेट देखा उसमें सिर्फ हमारा जो कंसंट्रेशन था, अट्रैक्शन था, वो सिर्फ सब्जेक्ट की तरफ था और हम उसे अच्छे से देख पा रहे थे। लेकिन अब आप देखोगे कि आपका ध्यान सिर्फ सब्जेक्ट पर नहीं बाकी आसपास पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, आपको पूरी एक स्टोरी फील हो रही होगी। आप फॉग देख रहे होगे, आप हरे भरे खेत देख रहे होगे, आप उसके चलने का स्टाइल देख रहे होगे। तो अगर मान लो मैं इसी सब्जेक्ट को बिल्कुल बीच में रख दूँ तो आपका जो ध्यान है वो सिर्फ सब्जेक्ट पर जाएगा, आप उसको चलते हुए देखोगे, आप ज़्यादा चीज़ें फील नहीं कर पाओगे। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं वो आपकी वीडियोस या फिर फोटोज को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, और इसी से जो सिनेमैटिक वाइब होती है वो और ज्यादा आती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फ्रेम को सेट करना है। अगर वो कुछ कर रहा है तो आपको उसकी पूरी स्टोरी दिखाना है तो आप उसे रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑडियंस को उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट कराना है तो आप बिल्कुल मिडल में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, या फिर आपका सब्जेक्ट जिस तरफ देख रहा है आपको उस तरफ ज़्यादा खाली जगह छोड़ना है, इससे जो आपका फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। तो रूल ऑफ थर्ड में आपको ये चार पॉइंट दिख रहे हैं, इन चार पॉइंट को आप देखकर आप अपने फ्रेम को अच्छे से कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं पे भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, और जो आपका सीन है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अब रूल ऑफ थर्ड्स आप वीडियोस और फोटोज़ दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इवन आप पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्ट्रेट में डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना है या फिर थोड़ा सा एनवायरनमेंट या कोई स्टोरी दिखाना है, तब भी आप रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर सकते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप स्क्रीन के तीसरे हिस्से में रख सकते हैं, जिसे हम रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सो दिस ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू।
क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट कैमरा सिस्टम एंड ओप्पो हाइपरटून इमेजिंग इंजन, जहाँ पे जो आपके कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही वाइब्रेंट आते हैं, जिसमें आपका जो पोर्ट्रेट्स हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। इवन लो लाइट में जो आपके पोर्ट्रेट्स हैं वो ऐसा लगेगा कि किसी DSLR से क्लिक किए हैं। और ये मैंने जितने भी पोर्ट्रेट्स क्लिक किए हैं वो मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का सेपरेशन है वो कितने अच्छे से यहाँ पर किया गया है। तो इस फोन की और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार चेक जरूर कर लेना। सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ फ्रेमिंग की नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लो। और मैं इस टाइप का सिनेमेटिक कॉन्टेंट अपने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाके फॉलो जरूर कर लेना। यूजर नेम है @ZERMATICS। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।